अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेटर लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि एलपीजी वेसल कैलकुलेट करने के लिए है। एलपीजी वेसल की कैपेसिटी, उसमें 100% पूरी अगर हम फिलिंग करते हैं एलपीजी, तो कितनी उसमें एलपीजी आएगी, और अगर 90% तक 10% उसमें वेपर स्पेस छोड़ते हैं तो कितनी एलपीजी आएगी, और अगर हम 85% फिलिंग करते हैं यानी कि 15% वेपर स्पेस छोड़ते हैं तो कितनी गैस उसमें आ सकती है। साथ ही ये एजमी के मुताबिक थिकनेस भी कैलकुलेट करेगा और इसके मुताबिक आपको वेट भी बताएगा, वेट एस्टिमेट होगा, ये कंफर्म नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस 200-300 हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट वेट तो अकॉर्डिंग टू एसेसरीज होता है। वेसल का वेट तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा वेसल और डिशेंट का, लेकिन इसमें जो एसेसरीज होती हैं डिशेंट के अलावा, वेसल के अलावा, इसमें बाउजर में अंडर कैरेज के आइटम्स होते हैं और टैंक में सैडल्स होती हैं, और इसके अलावा ऊपर इसके मैनवे की कुछ असम्बलीज होती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स की असम्बली होती हैं, तो ये कुछ डिफरेंट हो सकता है। लिहाजा सबसे पहले आपने चूज़ करना है कि आप एलपीजी बाउजर का कैलकुलेट करना चाहते हैं या एलपीजी टैंक का कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये स्फेरिकल डिशेंट के साथ, ये वाला पेज स्फेरिकल डिशेंट के साथ है और ये वाला पेज हमारा जो है ये एलिप्टिकल डिशेंट के साथ है। तो लिहाजा सबसे पहले आपने टैंक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डाया लिखना है, डाया इसमें है हमारा बिलफर्स 31, आईडी है 3100, इसका आईडी अगर है, और इसकी लेंथ शेल टू शेल जो इसकी लेंथ है वो हम अगर कहते हैं कि ये हमारी 11500 है फॉर एग्जांपल, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर गैस की हम लेते हैं वो 0.52, 0.53, 0.54, 0.55 लेते हैं, यानी कि एक लीटर गैस का जो वेट है, जो वज़न है, वो 540 ग्राम होता है। और उसके बाद हम क्रोजन लाउंस अगर ज़ीरो रखना है या हम एक लेना है, वो थिकनेस में ऐड हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये एजमी के मुताबिक यहाँ पर थिकनेस इसकी आ गई है, एडिशन 10.95 विद 1 mm क्रोजन लॉन्स के साथ, और विदाउट क्रोजन लॉन्स के साथ 1 mm उसमें से माइनस हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा जो शेल का है वो 20.73 आ रहा है, ये हमारा सजेस्ट थिकनेस है, जो हमारे पास अवेलेबल थिकनेस है ये वो है। तो यहाँ पर हम 12 mm की शीट लगाएंगे क्योंकि 11 की शीट होती नहीं है, इस यहाँ पर हम 22 mm की शीट लगाएंगे, तो ये हमारा उस हिसाब से हम इसको वेट पर ले जाते हैं। उसके साथ ही हमारी आप देख रहे हैं कि 100% पर इस पर 56.3 टन एलपीजी आएगी या 56,324 केजी आएगी, 90% पे 49 टन आएगी ऑलमोस्ट 49.7, और 85% पे 47 टन इसमें एलपीजी बाई वेट आएगी। और इस टैंक का टोटल जो वॉल्यूम है वो 102 क्यूबिक मीटर आता है, और इसमें ये आप देख रहे हैं 102.407 ये वाटर लीटर्स हैं, या इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये क्यूबिक मीटर बन जाएगा, यह हम यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा यहाँ पर डिश का वेट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आता है, शेल का वेट है ये भी एक्यूरेट आता है, ग्रेड 70 का जो वेट है वो टोटल हमारा बन गया 22 टन। उसके बाद हमारा A36 जो आम माइल्ड स्टील जो मटेरियल है, कार्बन स्टील का जो मटेरियल है, ग्रेडेड नहीं है, ये ग्रेडेड है, बॉयलर प्लेट भी कहते हैं, तो इसमें सिर्फ सैडल आएगी, प्लेटफॉर्म आएगा, ये चीज़ें जो A36 की होंगी तो वो 5.5 टन की अराउंड अबाउट होंगी, A36 का जो वेट होगा वो 5.5 टन आ जाएगा, टोटल वेट हमारा 27 टन आ गया। और ये हमारे पास डाया है, लेंथ है, यहाँ पर अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आपके पास एक टैंक खड़ा है, वो कहते हैं जी
इसका ज़रा वॉल्यूम चेक करें कितना है, तो वो आपको बताएंगे। ये टोटल जो टैंक है ये कितनी इसकी कैपेसिटी है, आपको कोई कहता है कि इसमें कितने टन गैस आती है, तो वो आपने चेक यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डाया और लेंथ है, यहाँ पर आपके पास कैपेसिटी, जैसे मेरे पास कहते हैं जी इसमें 100 टन इसमें गैस आती है, 15% खाली है। एक चीज़ का हमें पता होना चाहिए, डाया या लेंथ। क्रोजन लाउंस हमारा जो है वो 1 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 0.54 ही हम लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसने बता दिया कि इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो 212 क्यूबिक मीटर है और इसमें 100% जो है उसमें टन गैस आती है 15% पे। अगर हम जाते हैं इसके लेंथ पर, ये हमें लेंथ आ गई है, वाटर लीटर्स आ गए हैं, उसके बाद थिकनेस भी इसने बता दी है क्योंकि थिकनेस मैटर करती है डायमीटर के साथ। तो हम यहाँ पे 12 mm लगाएंगे और यहाँ पे हम 22 mm लगाएंगे। जैसे ही आप ये थिकनेस चेंज करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वेट चेंज होता है इसके साथ ही। तो 22 mm लगाएंगे क्योंकि 21 mm की शीट नहीं होती। अगर हम क्रोजन लॉस निकाल देते हैं तो हम 20 mm लगा सकते हैं। तो एनीवे यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 22 कर दें, तो ये आपके पास सेम उसी तरीके से आपके पास डिश का वेट आ गया, शेल का वेट आ गया, A36 का वेट आ गया, तो ये आपके पास वेट यहाँ पर आ चुके हैं। तो उसके बाद आप देख रहे हैं इसी तरह एलिप्टिकल वेसल है, उसका भी आपके पास डाटा है। अगर एलिप्टिकल डिशन है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो मुकम्मल देखने का। आप इस कैलकुलेटर को मेरे यूट्यूब चैनल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।